हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं कि प्रमोटेड स्टूडेंट क्या करे। यू नो, बहुत सारे रिक्वेस्टर्स आ रहे थे कि हम प्रमोटेड हैं तो हमें एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जनवरी अगर हम फॉर्म फिल करते तो कब एग्ज़ाम्स होंगे हमारे, जनवरी में होंगे या नहीं, हमारे सेशंस पीछे हो सकते हैं। यू नो, ऐसे के रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे थे तो मुझे ये वीडियोज़ बनाने पड़े। तो इस वीडियो में हम आज कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि एग्ज़ाम किसको देने हैं, किसको नहीं देने हैं, प्रमोटेड स्टूडेंट हैं उन्हें एग्ज़ाम लेने देने हैं कि नहीं देने हैं। ठीक है, तो हम आज बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप उनको देखें और बताएं कि और कौन से वीडियोस, सबसे के वीडियोस आने चाहिए। यू नो, बाकी सारे नोट्स, क्वेश्चंस पेपर ऐसे रिलेटेड। तो आज हम बात करेंगे कि प्रमोटेड स्टूडेंट अब क्या करें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रमोटेड होते हुए भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया सेकंड सेमेस्टर का। आज हम यहाँ पे बीसीए से रिलेटेड बात करेंगे, बीसीए और एमसीएस के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, बाकी अदर्स कोर्सेज के नहीं बात करेंगे क्योंकि सेम ही प्रोसेस है। तो हम देखते हैं कि बीसीए के स्टूडेंट जिनको जनवरी 2021 में एडमिशन लिया था फर्स्ट सेमेस्टर में या रजिस्ट्रेशन करवाया था सेकंड सेमेस्टर का, उन दोनों बैच के स्टूडेंट को प्रमोशन मिला है। प्रमोशन नहीं, एग्जम्पशन मिला, यू नो, छूट मिली हुई है एग्ज़ाम ना देने से। प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स, सारी चीज़ उन्हें सबमिट करने हैं, बस उन्हें एग्ज़ाम नहीं देने हैं। तो सिर्फ और सिर्फ किसके, तो थ्योरी पेपर्स के एग्ज़ाम नहीं देने हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सेकेंड बात कि कुछ स्टूडेंट ने सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोशन लेते हुए भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है। ठीक है, तो अब वो क्या करें, वो अब बोल रहे हैं कि क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेगा आपको, प्रमोशन ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन आप जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए हैं सेकेंड सेमेस्टर का, प्लीज़ उसे आप एग्ज़ाम में अपेयर मत होना। तो इससे एग्ज़ामिनर को लगेगा कि आप अपेयर नहीं हुए हो, आपसे गलती से हो गया है, तो आपको वो प्रमोशन ऑफर कर देंगे। ठीक है, अब बात है कि क्या हम एग्ज़ाम फॉर्म फिल करें नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए। तो हाँ, आप फिल कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर का प्रमोशन हुआ है तो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करके जनवरी में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, और सेकंड सेमेस्टर में जिसका प्रमोशन हुआ है वो भी अपना एग्ज़ाम फॉर्म थर्ड का फिल करके दे सकते हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया हुआ था जो कि जब मैंने ये वीडियो मैंने जब बनाई थी ये वाली, तो उसमें मैंने बताया था कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं करना है। ठीक है, हम उस टाइम तक उस समय रिलेटेड, इससे रिलेटेड एक कंप्लीट डिटेल नहीं निकाला था इग्नू कि ये क्या करना है, और अभी भी नहीं निकाला है। इससे हम लोग को प्रूफ हो रहा है कि हमें एग्ज़ाम्स तो देने पड़ेंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे सेशंस पीछे हो जाएंगे। इसलिए तो इस वीडियो में भी जो भी बताया गया था वो भी सही था, एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल करने थे। बट जिसने गलती से फॉर्म फिल कर दिया है उसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी एग्ज़ाम्स, उससे भी एग्ज़ाम्स, बस अपेयर नहीं होने की ज़रूरत है, वो एग्ज़ाम्स अपने नहीं दे सकते। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म फिल करो और एग्ज़ाम दो आसानी से। ठीक है, बस इतना ही कहना। और एग्ज़ाम भी उन्हें ही देना है, प्रमोटेड स्टूडेंट जो है उन्हें ही देना है जिनके री रजिस्ट्रेशन थर्ड का जुलाई 2021 में हुआ हो, या फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा सेकंड सेमेस्टर का जुलाई 2021 में। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन जुलाई 2021 में किया है और वो प्रमोटेड है, वो ही उस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं उस सेमेस्टर के। ठीक है, जैसे कि इन्होंने अपना एडमिशन जुलाई 2020 में लिया था तो फर्स्ट सेमेस्टर का, तो इन्हें जुलाई 2021 में रजिस्ट्रेशन करवाया था तो उनको सेकंड सेमेस्टर में प्रमोशन मिला है, देन कि ये अपना एग्ज़ाम्स दे सकते हैं जनवरी में थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, ये बताना था। और आप अपने डेट शीट निकालो और चेक करो कि कब एग्ज़ाम्स हैं आपके, और उस हिसाब से अपने तैयारी करो एग्ज़ाम्स की। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। Bye-bye.